दोस्तों ईटी स्टैंडर्ड में आपका बहुत बहुत स्वागत है और आज हम बनाएंगे बहुत आसान और स्वादिष्ट पंजाबी स्टाइल में कद्दू की सब्जी। इसके लिए हमने बटरनट कद्दू का इस्तेमाल किया है। ये एक तरह की स्क्वैश की वैरायटी होती है। इसे हम ओवन में पकाएंगे, तो इसे टुकड़ों में काटकर हमने अपने ओवन सेफ प्लेटर में रख लिया है और इसे अब ओवन के अंदर भूनने देंगे। तो थोड़ा सा ऑलिव ऑयल ब्रश करें और इसके बाद ओवन में रख दें और तकरीबन 25-30 मिनट तक इसे पकाएं, जब तक कि जो कद्दू है सॉफ्ट ना हो जाए। अब ये देखिए एकदम सॉफ्ट है, फोर्क से हमने चेक कर लिया और अब इसकी स्किन उतार देंगे और अब ये पकने के लिए तैयार है। तो थोड़ा सा तेल गरम करें कढ़ाई में और इसमें हम डालेंगे मेथरे यानी कि फेनोग्रीक सीड्स। पंजाबी कुकिंग में ये काफ़ी इस्तेमाल होते हैं और इनका स्वाद बहुत ही अच्छा होता है। तो ये हमारे मेथरे यानी कि फेनोग्रीक सीड्स हमने कढ़ाई में डालकर पकाने हैं। इनका स्वाद जब तेल में आ जाएगा तो फिर हम इसके अंदर डालेंगे प्याज बारीक कटा हुआ, तो इनका थोड़ा रंग बदल रहा है। थोड़ी सी हमने डाली जीरा, जीरा भी भून रही है तो साथ में ही डाल दी बारीक कटी हुई प्याज। खूब अच्छे से इसे तेल के साथ मिला दें प्याजों को और फिर इसके अंदर हमें एक आधे मिनट के बाद बाकी इंग्रेडिएंट्स डालने हैं। थोड़ा सा नमक ताकि प्याज अच्छे से जल्द से पक जाएं, थोड़ी सी मिर्च, किसी भी तरह की लाल मिर्च का इस्तेमाल कर सकते हैं। लाल मिर्च भी अच्छे से मिला ली हमने प्याजों के साथ और अब जब प्याज पक जाएंगे तो फिर दो से तीन टमाटरों की प्योरी बनाकर इसमें डाल दें। इससे बहुत अच्छा स्वाद आ जाता है, टमाटरों से थोड़ी टैंगीनेस आ जाती है, थोड़ी खटास आती है और अच्छा फ्लेवर आ जाता है हमारी सब्जी में। तो ये हमने टमाटर मिलाकर अच्छे से पका लिए और अब हम इसके अंदर मिलाएंगे अपना बटरनट स्क्वाश यानी कि कद्दू, जिसे हमने ऑलरेडी ओवन में पकाया है। एकदम मैश्ड है और बहुत अच्छा इसमें फ्लेवर आ जाता है जब हम इसे इस तरह से पंजाबी स्टाइल में पकाते हैं। जब ये अच्छे से प्याज टमाटरों के साथ मिल जाएगा तो इसमें थोड़ा सा गरम मसाला डालें, ऊपर से डालें कसूरी मेथी यानी कि ड्राइड फेनोग्रीक लीव्स, क्रश कर कसूरी मेथी डाल दी और ये हमारी सब्जी तैयार है। तो आप इसे परांठे के साथ, चपाती के साथ या किसी भी मील के साथ एज अ साइड डिश इंजॉय कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। ज़रूर इसे अपनी किचन में ट्राई करें और हमें बताएं आपको हमारा चैनल कैसा लगता है।